ब्लॉग्स जब लिखने की बात होती है तो ब्लॉग्स बहुत तरी बहुत सारी तरह के होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होते हैं डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं कोई जो है वो जनरल ब्लॉग्स होते हैं कोई किसी एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर होते हैं कोई लाइफ के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं कोई बिजनेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं कोई अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सेट्रा तो अक्सर कोई जो ब्लॉग्स होते हैं वो मिक्स एंड मैच भी होते हैं हो सकते जो पर्सनल ब्लॉग है उसमें कोई वो एक नीच इंटरेस्ट हो उनका जिसका वो प्रमोट कर रहे हो या जिसके बारे में लिख रहे हो तो देर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग्स बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जानना कि मैं इसमें ही फिट आ रहा हूँ या मैं इसमें फिट आ रही हूँ दिस इज़ जस्ट टू नो कि ऑप्शन क्या क्या हैं और दूसरे लोग अभी क्या काम कर रहे हैं जब मैंने ये पर्सनल uh, या जो जर्नल ब्लॉग्स हैं कि हमने ये किया वाले जब ढूंढे तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुझे पाकिस्तानी बहुत सारे मिल गए लेकिन कुछ बाकी जो एग्ज़ाम के ब्लॉग्स थे जैसे नीश ब्लॉग्स थे उसमें मुझे पाकिस्तानी ब्लॉग्स इतने ज़्यादा नहीं मिल सके सिवाए आई के आई के थे लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी प्रेजेंस है पाकिस्तानी ब्लॉगर्स की स्पेशली फीमेल ब्लॉगर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो लेट्स सी वॉट दिस इज़ ऑल अबाउट अच्छा इसमें जो मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स को देखा है और उनका आ, कोई पैटर्न देखने की कोशिश की है तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि देर इज़ नो फॉर्मूला सब अपने अंदाज़ में कर रहे हैं सब डिफरेंटली कर रहे हैं कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि अच्छा दिस इज़ हाउ इट विल बी सक्सेसफुल तो कोई जो है वो टॉपिक्स जो हैं आप सोच सकते हैं जैसे उर्दू मॉम जो है वो मुझे एक बहुत पसंद है ब्लॉग तो यू माइट थिंक कि इसमें किसी को क्या इंटरेस्ट होगा बट इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्लॉग और उसमें एक खास तरह की खातीन और होम मेकरस टाइप लेडीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं सो so, हर कोई अपनी कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस ढूंढ के और उसके साथ काम कर रहे हैं देर इज़ नो फिक्सड फार्मूला अच्छा इट हैज़ टू बी समथिंग पीपल फील स्ट्रांगली अबाउट ये एक चीज़ मुझे लगी है इनमें एटलीस्ट जो लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स हैं और जो पर्सनल और जर्नल टाइप जो ब्लॉग्स हैं उसमें यह है कि वो उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें और अपनी पर्सनल इन्वॉलमेंट है ख़ुद उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर रहे करें इस ऑबियसली देर एक्साइटेड अबाउट इट दैट इज़ वाई देयर डूइंग इट द ब्लॉगर्स एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ टॉपिक्स एंड डोंट रियली कीप टू द टाइटल एवरी वन इज़ फॉर एक्जाम्पल डूइंग मूवी रिव्यूज़ जैसे नादिया नजीब का जो ब्लॉग है उसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसमें ये है कि मैं उन लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखें हेल्दी लिविंग वगैरह लेकिन वो इसके अलावा बहुत सी और भी टॉपिक्स हैं उसमें वो उसमें ट्रैवल के अभी आ जाती हैं बीच में ब्लॉग पोस्ट हैं और उसके अलावा मूवी रिव्यूज भी उसमें आ जाते हैं कोई चीज पकाई कोई टिप्स फॉर हैप्पी कपल्स बहुत सारी मिक्स एंड मैच है उसके अलावा देर सीम टू बी मोर वेमेन राइटिंग लाइफ स्टाइल इन जर्नल ब्लॉग्स विच ड मीन मोर मैन शुड जम्प इन लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही नोटिसेबल फ़र्क था इसमें तो आई कोडेंट हेल्प नोटिसिंग इट और इट माइट भी इंटरेस्टिंग कि अगर आप इफ़ यू आर अ जेंटलमैन तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप कोई हाउस कीपिंग का ब्लॉग फॉर मैन आप बनाएं और उसकी एक और अलग तरह की ऑडियंस हो सकती है क्योंकि वो एक मार्केट है जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं की और उस तरह का कोई ब्लॉग uh, अभी तक नहीं है उसके अलावा ये कि ये सारे मैंने इनमें नोट किया है कि बहुत खुशी का टोन होता है कहीं पे हल्का सा मेलो होगा जब कोई इमोशनल या ऐसी कोई बात हो रही है लेकिन यूजली देर वेरी अपट दे वेरी ऑप्टोमिस्टिक देर वेरी हैप्पी दैट्स द स्टाइल ऑफ द पर्सनल और जर्नल ब्लॉगर द वंस दैट आई कम अक्रॉस स्पेशली जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं अच्छा फेसबुक की इनकी फॉलोइंग्स जो हैं ये पॉपुलर्स हैं पॉपुलर है हैं ये लोग सेलेब्रिटीज़ हैं इनके मैगज़ीन्स के अंदर इंटरव्यूज वगैरह आए हुए हैं लेकिन सब की बहुत ज़्यादा रेटिंग्स नहीं है कुछ की सात हज़ार भी हैं किसी की चालीस हज़ार हैं किसी की एक मिलियन है तो देर इज़ अ होल रेंज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पचास हज़ार ही होंगे फॉलोअर्स या व्यूज वगैरह तो ही आप जो है किसी क्लास में कंसिडर किए जाएँगे बट मतलब सम ऑफ दम विद्यूअर फॉलोअर्स आर ऑल्सो कंसिडर टू बी सेलिब्रिटीज़ और उनके मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह मैगजीन्स में देखे हैं और इस तरह से उनको वो प्रमोशन मिल रही है सो ऑब्वियसली ग्रो विद डट प्रमोशन इफ़ योर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसिस आर यूनिक पीपल आर फोन ऑफ सम इन मै आई वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू नेम अ ब्लॉग लेकिन ये कि वो उनका बहुत अच्छा ब्लॉग है विजुअली वेरी अपीलिंग उन ट्रैवल किया है उसके बारे में लिखी हुई है बहुत सी स्ट्रेंज जगहों के ऊपर ट्रैवल किया हुआ है जहाँ आमतौर पर लोग वेकेशन लेने नहीं जाते युगांडा वगैरह तो और इसलिए उनकी वो द कॉन्टेंट इज़ वेरी पावरफुल लेकिन लैंग्वेज की हम रेकमेंड तो करते हैं कि इस होनी चाहिए और लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए लेकिन नहीं भी है या थोड़ी सी उसमें कहीं पे मिस्टेक्स uh, भी हैं तो इट्स स्टिल अ वेरी पॉपुलर ब्लॉग तो लोग उसको फोरगो कर देते हैं अगर दूसरी चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग हो ये नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें ही स्ट्रांग ना हो कुछ ना कुछ तो सेविंग uh, ग्रेस या कोई स्ट्रांग बात होनी चाहिए और इसके अलावा सोशल मीडिया के जितने ऑप्शनज हैं इन सब ब्लॉगर्स ने अच्छी तरह एक्सप्लोर किए हुए इंस्टाग्राम पे इनकी प्रेजेंस है ट्विटर के ऊपर है फेसबुक uh, पे तो है ही सो दे डोंट लीव एनी ऑफ दैट अनटर्नड उसको किसी भी जो ऑप्शन uh, है या अपॉर्चुनिटी है उसको इन्होंने किसी ने भी नहीं छोड़ा हुआ वो सारे लिंक्स उनके ब्लॉग के ऊपर दिए होते हैं कि हमें आप यहाँ भी फॉलो करें यहाँ भी फॉलो करें एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड अ गुड बेस ऑफ फॉलोअर्स और अपनी प्रेजेंस ये फील कराते हैं अच्छा ये हम कुछ ब्लॉग्स देखते हैं जो पर्सनल और जर्नल ब्लॉग्स जो ज़्यादातर मुझे पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे मिले तो जहाँ तक कोशिश है मेरी ये थी कि जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उनके दिखाई जाएँ द वन आई हैव हेयर इज़ द गर्ल विद द ग्रीन पासपोर्ट इनको काफ़ी पब्लिसिटी मिली है इनके बारे में आर्टिकल्स वगैरह भी आए हैं लेट्स दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली इनका ये इन्होंने अपनी स्टोरी और द इज़ के uh, ग्रीन पासपोर्ट जो कि बड़ा मुश्किल है हमारी पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने उसके साथ इन्होंने कितनी सारी जगहों को ट्रैवल किया है दिस इज़ हर फोटो एंड इन्होंने वीडियोस भी डाली हुई हैं ये कुछ ब्लॉग्स हैं इसमें देखें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है फोर ट्रिप्स दैट यू कैन टेक लास्ट मिनट ऑन ईद अच्छा ये नंबर्स के साथ जो लिखते हैं ब्लॉग्स की हेडिंग्स दैट इज़ सपोज टू बी वेरी कैची तो अक्सर यही होता है इसी तरह थर्टी यूनिक जापनीज एक्सपीरियंसिस इन्होंने जापान विजिट किया उसके बारे में इन्होंने कई सारे लिखे हुए जापान एज यू माइट नो इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो उन्होंने एक ये लिखा है हाउ आई डिड जापान इन अंडर टू थाउजेंड डॉलर्स तो ये हैं इसके बाद जो वीजा है वीज़ा गाइड है डिफरेंट मुल्कों के वीज़ा कैसे लिए जा सकते हैं दिस इज़ द हाउ टू ब्लॉग्स ये अलग से इन्होंने एक सेक्शन अपना बनाया हुआ है कम्बोडियास में है सिंगापुर एट्सट्रा अच्छा। और उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक्स दिए हुए लेट्स सी द थर्टी यूनिक जैपनीज़ एक्सपीरियंसिस ब्लॉग टू सी के इनने कैसे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है फ़ोटोग्राफ्स कैसे यूज़ हुई हैं ये टेकी टॉयलेट्स हर किसी का जब ट्रैवल करते हैं तो सबका कंसर्न होता है कि टॉयलेट्स कैसे होंगे या क्या होगा तो ये उन्होंने उसकी कोई जैपनीज़ कोई ख़ास मॉडल है टॉयलेट्स का उसकी फ़ोटो दी है जैपनीज uh, में जापान में क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है रियल इस्टेट तो इसलिए छोटे छोड़ छोटे होटल्स हैं उसकी उन्होंने इमेज दी है सी के ये बहुत सी प्रिटी इमेज़ नहीं है लेकिन कि यूनिक इमेज़ हैं दैट गिव यू अ सेंस ऑफ वॉट द कंट्री मस्ट है राइटअप्स छोटे हैं और इमेज़ उन्होंने ज़्यादा दिए हैं और टिपिकल जापनीज चीज़ों की दी हैं हाई स्पीड सुशी आ गई हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर सुशी है और रोबोट श्रो सो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है हर चीज़ में सिम्पलिसिटी भी है उसके साथ जैपनीज कर्टन से सो अगेन यू थिंक कि इसमें फ़ोटो लेने की क्या चीज़ है इट्स सो प्लेन लेकिन यही दिखाने की चीज़ है कि हर मुल्क में एस्थेटिक्स डिफरेंट हैं और उनका अपना सेंस ऑफ स्टाइल और टेस्ट है वेंडिंग मशीन और ग्रीन टी ये लोग बहुत पीते हैं अक्सर ये कहा जाता है कि इनकी स्किन इसलिए अच्छी होती है ग्रीन टी पीते हैं सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि किस तरह उन्होंने पूरी एसेंस अपने ट्रिप की और जो यूनिक चीज़ें हैं जो लोगों को इंटरेस्ट करती हैं उसको कैप्चर किया है अपने बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है मीट द गर्ल और ये इससे इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से जो है हाउ शी स्टार्टेड हर जर्नी और ये गर्ल विद द ग्रीन पासपोर्ट इसका नाम उन्होंने क्यों रखा और कौन कौन से मसले थे वन बिग हर्डल एंड वन बिग ड्रीम तो ये उन्होंने अपने चैलेंजेस और उसकी और उनका क्या रिस्पॉन्स था ये बताया सो दैट इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल्सो तो दिस वॉज द गर्ल विद द ग्रीन पासपोर्ट उसके अलावा अब हम देखते हैं उर्दू मॉम उर्दू मॉम का मैंने पहले भी जिक्र किया था यहाँ पे इन्होंने सुपर उर्दू मॉम करके अपना नाम लिखा हुआ इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था उर्दू के साथ कि ये उर्दू पढ़ाएंगी अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को ऑनलाइन और स्टोरीज़ और अलिफ पे वगैरह उर्दू की नज़में और लेकिन इसमें ये लाइफ स्टाइल के भी ब्लॉग्स हैं लेट्स लुक एट द स्क्रीन नाउ कल्चर पार्टी आइडियाज़ मुस्लिम लिविंग इसमें इन्होंने बहुत से पार्टी आइडियाज़ दिए होते हैं जैसे कि चौदह अगस्त की पार्टी कैसे मनाई जाए या कोई ईद की पार्टी कैसे मनाई जाए जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी या मुस्लिम ऑडियंसिस के लिए हैं पेरेंटिंग टिप्स भी इन्होंने दी हुई हैं और स्टे एट होम मॉम्स क्या करें क्राफ्ट या एक्टिविटीज़ में बच्चों को कैसे इंगेज करें दिस इज़ द उर्दू पार्ट पेरेंट्स के लिए है उसमें पोइम्स uh, हैं बच्चों के लिए गेम्स हैं उर्दू uh, राइटर्स के लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन है और एक्टिविटीज़ भी हैं अब क्योंकि ये उर्दू के बारे में है और कल्चरल थोड़ा सा इसका एंगल है तो ये इसमें रेसिपीज़ भी इन्होंने बच्चों के लिए बड़ों के लिए और इसमें अक्सर देसी रेसिपीज़ इन्होंने दी हुई होती हैं ट्रैवल की टिप्स हैं और एक्सपीरियंसेस हैं और ये कुछ और मज़ीद मिक्स एंड मैच रिव्यूज़ मूवी रिव्यूज़ भी ये करती हैं और ये कैलगरी जहाँ ये रहती हैं अच्छा इनकी जो है पेट पोस्ट एक दो हैं यहाँ पर तो ऐसे ही अपनी दिलचस्पी के लिए हम देखते हैं कि हाउ कैन पेड पोस्ट भी डन और इंटीग्रेटेड जो उनका मेन जो उसका ब्लॉक का जो फ्लेवर है उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसमें अपनी बच्ची को इन्होंने इन्वॉल्व किया और ये कुकिंग कर रहे हैं और हेलो फ्रेश वाले कोई हैं उनका रिव्यू है उनके प्रोडक्ट्स के लेके आए हैं उसमें रेसिपी कार्ड आता है और वो रेसिपी बनाने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी आती हैं उसकी आप देख सकते हैं प्राइसेस हैं यहाँ पे और डब्बा आया है फिर ये अगेन नोटिस के टेक्स्ट कम है और पिक्चर्स बड़ी बड़ी डाली हुई हैं बच्ची ने एप्रन पहना हुआ है वो खोल रही हैं दे लुकिंग एट द रेसिपी कार्ड और ये कुछ तैयार हो गया है और ये बाकी कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं

तो उसके साथ उन्होंने टाई करके और एक ये किये, प्रोमोशनल उसके बारे में ब्लॉग लिखा है एंड दिस इज़ हाउ स्मार्टली यू कैन मेक मनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्लेवर एंड द टेक्सचर ऑफ योर ब्लॉग सो दिस इज़ उर्दू मॉम अच्छा मॉमी के ब्लॉग्स कई सारे हैं द एटलीस्ट फाइव ब्लॉग्स जो के uh, पाकिस्तानी खातान के लिखे हुए जिनके छोटे बच्चे हैं एक दो साल से लेके नौ दस साल तक के और वो ये ब्लॉग्स लिख रही हैं और अपने बच्चों के साथ जो चीज़ें वो कर रही हैं एक्सपीरियंस कर रही हैं वो वो शेयर कर रही हैं मामा सेसो की एक बड़ी अच्छी रीसेंट पोस्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा छोटा सा कैसे उनकी मेट की बेटी के ऊपर रोक जमा रहा था और फिर हाउशी चेक हर कि वो ऐसे ना करें एट्सट्रा तो अक्सर आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं है मेरी लाइफ में हो रहा कुछ नहीं है मैं किस चीज़ के बारे में लिखूँ तो जो आपके घर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भी बहुत सा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है जिससे बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं लेट सी के इनका क्या है यहाँ पर इसमें इन्होंने डिफरेंट uh, डिफरेंट अपने वो बनाए हुए हैं टॉपिक्स बनाए हुए हेडिंग्स बनाई हुई हैं एक्टिविटीज़ हैं रिव्यूज़ हैं न्यू मॉमीज़ के लिए कुछ है एडवाइज़ है मामास पिक पेरेंटिंग वन ओ वन है यानी कि पेरेंटिंग के बेसिक्स हैं

और ये एक अच्छी इनकी शी हैज़ और ओन वॉइस राब मुगीस जो है इनका लाहौर से ताल्लुक है ये एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग है और थोड़ा सा फ़ैशन के ऊपर और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस है कम्पेयर टू द अदर टू दैट आई जस्ट शोट तो इसमें बहुत सीरियस बात शायद कोई ना हो ये भी ख़ुद इनके भी माशाल्लाह तीन बच्चे हैं और इन्होंने ये ब्लॉग बनाया इसमें लाइफ स्टाइल्स के बारे में चीज़ें हैं फ़ैशन के बारे में डाइनिंग के बारे में लेट्स सी डाइनिंग में क्या है अब ये देखें कि इस इन्होंने इसमें डाइनिंग में रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ लिखे हुए और ये रेस्टोरेंट्स वालों की तरफ से एक किस्म की प्रमोशन है ये पेड पोस्ट हैं ये जैसीज एक है इस्लाम का रेस्टोरेंट जब लाहौर में भी खुला है उसके अलावा ये टाओ का इनका था दम पुख्त तो ये दिस इज़ अ गुड आइडिया कि वो रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ लिख रही हैं और उसके थ्रू वो अपना दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर हेल्थ इसमें भी देखें कोई उन्होंने बिजनेसिस uh, को प्रमोट किया हुआ है और ये कोई इंटरव्यूज़ भी लिए हुए हैं सो देर लॉट्स ऑफ ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और लिख सकते हैं विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो आपकी ज़िंदगी में जो आपके नॉर्मल उसमें uh, आपके आम लाइफ में जिन चीज़ों से आपका गुजर हो रहा है उसमें ही बहुत सी कहानी है जिनको कि आप ब्लॉग की सूरत में अच्छी तरह पेश कर सकते हैं आप ये देखिए विजुअली ये सारे बहुत अपीलिंग है दे आर वेरी ब्राइट और दैट यू सी हैप्पी फेसिज यू सी प्रिटी पिक्चर्स तो ये इसलिए लिए दैट दैट्स पार्ट ऑफ द अपील अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट द ब्लॉगर्स दैट आई स्पोक विद के उनमें से वो अक्सर एक दूसरे को जानते हैं अक्सर दोस्त हैं और ये इट्स नॉट लाइक दे कम्पीट विथ ईच अदर तो इट्स अ गुड कम्युनिटी ब्लॉगर्स की कम्युनिटी इट्स अ वेरी वेलकमिंग एंड अ वेरी वार्म एंड अपबीट कम्युनिटी तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी एक्सप्लोर की हैं तो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप यू इंजॉय दिस टू